अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रामेश और आप देख रहे हैं बाबा फन आर आर सी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सोच रहे होंगे आज मैंने कहाँ से व्लॉग स्टार्ट किया है। अब वैसे ही मौसम कुछ बेहतर था तो मैं बाहर आ गया घर से। मेरे कमरे की सफाई हो रही थी क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठा था और बाबा जी भी बिज़ी थे। बाबा जी वीडियो बना रहे थे, अली बाबा जी के साथ बिज़ी था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज जो है व्लॉग का जो स्टार्ट है वो हम बाहर से लें। बाबा जी क्या बन रहा है आज? आप बीफ हलीम तैयार कर रहे हैं, स्पेशल बीफ हलीम। बीफ हलीम इस टाइम पे आके जब अच्छे तरीके से आपने बुनाई कर ली, 2 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च। बाबा जी जो है वो हलीम बना रहे हैं आज बीफ हलीम, और मैं रूम में आ गया हूँ और अभी मैं करने लगा हूँ काम टिकटॉक के लिए और स्नैक वीडियो के लिए। बाबा फूड की जो वीडियोज हैं वो शॉर्ट करनी है, तो बस अभी मैं वो शॉर्ट करने लगा हूँ। बाबा जी की वीडियोस को शॉर्ट करना इट्स डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि एक तो वीडियोस बाबा जी की काफ़ी डिटेल से होती हैं और उनको 1 मिनट में कन्वर्ट करना और 3 मिनट में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये काम काफ़ी आसान तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से मैं कर रहा हूँ। और टिकटॉक पर अल्हम्दुलिल्लाह बाबा फूड के 1 हफ्ते के अंदर 2 लाख फॉलोवर बढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ दिन पहले टिकटॉक जो है वो बैन हो गई, तो उसके बाद हमने वीडियो अपलोड करना छोड़ दी थी क्योंकि हम वीपीएन शीपीएन लगा के वो काम नहीं करते। तो अभी स्नैक वीडियो की तरफ से जो है ऑफ़र आई भी है, वो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ काम करें। तो बस अब स्नैक, क्योंकि टिकटॉक पर फिर भी आप 3 मिनट की वीडियो डाल सकते हैं, लेकिन स्नैक वीडियो पर 1 मिनट की वीडियो से ज़्यादा आप अपलोड नहीं कर सकते। तो काफ़ी दिन से मैं काम नहीं कर रहा था शॉर्ट वीडियोस पे क्योंकि टिकटॉक बैन हो गई थी, तो मैंने शॉर्ट वीडियोस पर एडिट करना छोड़ दी थी। तो आज जो मेरा है, क्या कहते हैं उसको, गोल जो है वो है 10 वीडियोस का। इंशाल्लाह मैं आज कोशिश करूँगा कि मैं 10 वीडियोस शॉर्ट कर दूँ। अब देखते हैं कि मैं कर पाता हूँ या नहीं। आज जो है बाबा जी ने अपने किचन में बनाई है बीफ हलीम, बहुत ही टेस्टफुल बीफ हलीम बनी है। देख देख के मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन क्या करें, हम डाइट पे हैं, कुछ नहीं कर सकते, बट मैं थोड़ी सी ट्राई ज़रूर करूंगा। और आज जो है हमारे किचन टेबल जो है ये भी जो है अपडेट हो चुका है, पिछले है सेम वाला, मतलब कलर सेम है, लेकिन पिछला जो हमारा वो था ऊपर वाला टेबल वो बहुत ख़राब हो चुका था, तो ये भी हमने जो है चेंज कर लिया है। अभी जो है मैं पिक्चर्स ले लूं, और जिस तरह मैंने आपको बताया था व्लॉग के स्टार्ट में कि मैंने आज टारगेट है, बस भाई तो जिस तरह के मैंने आपको व्लॉग के स्टार्ट में बताया था कि आज मेरा टारगेट है कि मैं 10 वीडियोस को जो शॉर्ट करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब तक 5 वीडियोस जो है वो शॉर्ट कर ली है। सीरियसली 5 वीडियोस जो है मैंने शॉर्ट कर ली हैं, और बाकी अभी काम और देखते हैं जी। इस टाइम जो है पिक्चर्स मैंने ले ली हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है हलीम को जो है मैं ट्राई करने लगा हूँ थोड़ा सा। वाह वाह क्या रिश्तेदार हलीम, हलीम भी कह लें दलीम भी कह लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे क्योंकि आपको पता है जिस तरह के मुझे लेमन पसंद है, तो मैं लेमन थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगा। लेमन डालने के बाद मैं थोड़ी सी प्याज, ज़्यादा नहीं, ये डालूंगा। इसके बाद हल्का सा मैं सब्ज़ धनिया डालूंगा, और इसके बाद मैं थोड़ा सा अदरक डालूंगा, और अब इसको करते हैं ट्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुंह पे लगा तो नहीं? ठीक है, बस बहुत ज़बरदस्त यूनिक टेस्ट है, बहुत ही मतलब, और इतनी नरम मुलायम है और मुंह में घुल रही है जाकर, बहुत ही ज़बरदस्त हलीम तैयार हुई है बस। लेकिन मैं इसे ज़्यादा खा नहीं सकता डाइट पे। हमारे साथ जिस वक्त अली साहब मौजूद, अली साहब जी। सर जी, सर कल भी कमेंट आया था कि आपने शेर नहीं सुनाया, कुछ चवल मार दें। शेर आजकल ना उतर नहीं रहे मेरे, इसलिए आप सुनाए, मैं भी सुनता हूँ और देखने वालों को भी सुनाए। अच्छा मैं सुनाता हूँ, 1 मिनट। अच्छा जी, उमैर नजमी की अली गजल के 2-4 अशआर सुना दूं। तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ,
तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूँ, बात समझ, बात समझ, मेरे अलावा हैं छह लोग मुनहसर मुझ पर, मेरे अलावा हैं छह लोग मुनहसर मुझ पर, मुनहसर मुझ पर, मेरी हर एक मुसीबत को जरब साथ समझ। उमैर नजमी। अगर मेरे बाल हमेशा ऐसे ही रहे ना जैसे अब हैं, तो मुझे कोई भी ना कहे कि अपने बाल कटवा लो, यकीन करो। देखो अब तो ठीक है, लेकिन ये जब सूख बिल्कुल, अभी मैं नहाया था ना, तो बिल अब ठीक है। जब तो जिस दिन अगर मैं ना नहाऊं या मैं कैचर ना लगाऊं तो ज़्यादा ये ड्राई हो जाता है ना, उसके बाद ये ऐसे बड़े। अब देखें, इवन मैंने कैचर भी नहीं लगाया हुआ तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो है बाबा जी बैठे हैं। बाबा जी हेलो। बाबा जी जो है कभी कभी जो है नेटफ्लिक्स पे कोई ना कोई सीज़न देख रहे होते हैं, तो आज भी बाबा जी वो सीज़न देख रहे हैं। स्नो, आगे मुझे नाम नहीं आता, मैं नाम आगे लिख दूंगा जो सीज़न का नाम है ना, बहुत प्यारा सीज़न है। सीज़न का जो नाम है वो है स्नो पियर्सर, स्नो पियर्सर। जिंदगी कटी है जबरे मुसलसल की तरह, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। तो जब भी हम जो है डाइट स्टार्ट करते हैं, और डाइट स्टार्ट करते ही हमारे घर के अंदर ये काम शुरू हो जाता है, और जब हमारे घर में ये काम शुरू होता है तो मैं आपको, मैं वो फीलिंग्स ही नहीं, आपको मैं बता ही नहीं सकता कि इस टाइम आप समझ नहीं सकते भाई पे, आपके भाई पे गुजर क्या रह गया। नाज काम से ये मान के आप बर्गर खा लीजिए, बर्गर खा लिया गया, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ना खाएं। चले जाओ तोड़ जाओ द्रो, बस खत्म। जरा ये बर्गर चेक करें बस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय 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 हाय। बर्गर्स की जो पिक्चर्स थी वो लेते हुए काफ़ी टाइम लग गया, तो पसीनो पसीना हो जाता है काम। तकरीबन आधा घंटा लग गया पूरा पिक्चर्स लेने में, और वीडियो शीडियो दोबारा से उसकी थोड़ा सा सिनेमैटिक वगैरह लेने में, और वीडियोस जो हैं वो मैंने कर ली हैं। सोचें, गैस करें अब तक मैंने कितनी वीडियोस शॉट कर ली होंगी, कमेंट में बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह वॉक कम्प्लीट हो चुकी है, और इस टाइम जो है 10 बज रहे हैं, ये आप पसीना देख सकते हैं, ये वॉक से सारा पसीना आया हुआ है, और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है, और आज का व्लॉग हम करते हैं, आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से कम एक घंटा दो घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें, अपनी सेहत के लिए एक्सरसाइज और वॉक ज़रूर करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और अली को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगेबान। मैं वॉक करके आ गया हूँ, मैं व्लॉग एंड कर दिया था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं आपको एक चीज़ तो बताना भूल गया कि मैंने 10 वीडियो का जो टारगेट रखा था वो मैं अचीव कर पाया हूँ या नहीं कर पाया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 7 वीडियोस जो हैं वो शॉर्ट कर ली हैं, और क्योंकि और वीडियोस भी एडिट करनी थी शॉर्ट के अलावा, तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि सोने से पहले वो 3 वीडियोस भी मैं एडिट कर लूं। लेकिन व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और जो भी मैंने बोलना था वो मैंने बोल दिया था। अभी आप भी सो जाएं, रेस्ट करें। अल्लाह हाफिज़।